देखो ये तो हमेशा, कोई हल नहीं है भाई। ये तो हमेशा कोशिश है जो लगातार, अब कितना बड़ा अटैक जो है, एक सीधा ग्रेनेड जो दो लोगों ने फेंका है, तो कोशिश तो आईएसआई लगातार हमेशा डिस्टर्ब करने के लिए पंजाब को करती रहती है। ऐसे ही गुरपंथ सिंह है जो पन्नू है, वो तो सामने ही आ गया है कैसे किस तरीके से वो जो रेफरेंडम 2020 चला रहे हैं, वो पाकिस्तान के इशारे पे चला रहे हैं, आईएसआई के इशारे पे चला रहे हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो जिसको मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी ये बोला है, आईबी ने भी बोला है, पंजाब की एजेंसीज भी लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी सिर उठाने की इजाज़त एजेंसीज और सरकारें नहीं देंगी। तो लोगों को बिल्कुल सुरक्षित रखना, लोगों को भय के माहौल से बाहर रखना, ये हमारे सरकारों का काम है और उस ग्रेनेड जिम्मेवारी हमें पता है। किस तरफ से फेंका गया ये? ये तो पाकिस्तान का ग्रेनेड था, उसकी फैक्ट्री में बना हुआ था ग्रेनेड, तो वो लोग दोनों अब पकड़े गए हैं। तो ये किस तरीके से तारें जुड़ी हुई हैं और कौन कौन वहाँ पे बैठा है, तो वो कोशिश है भी गुरवंत पन्नू जैसे भी किसी तरीके से भारत उनको लाया जाए और अगली क्या क्या इनके मंसूबे रहे हैं उनसे पता चले। जिस तरह भी आपने कहा कि पाकिस्तान से ग्रेनेड फेंका गया, तो कहीं ना कहीं जिन नवजोत सिद्धू पाकिस्तान जाते हैं प्यार का संदेश लेके जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के जो हमले होना पाकिस्तान की तरफ से, तो क्या है अपने आप में एक देखो, नवजोत सिद्धू जी और इमरान खान वो एक दोस्त हैं, और दोस्त के नाते एक बहुत बड़ा, जो बहुत लंबी मांग थी करतारपुर साहब लांघे की, वो पूरी होने जा रही है। वो एक दोस्ती के एक एक संबंध है, वो पैरेलल चलने चाहिए और बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जो ये लोग हैं, जो उनकी फौज क्या करती है, एजेंसियां ये करती हैं, वो हमेशा ही वो अलग उन्होंने लाइन लेके रखी है, लेकिन जो प्रयास है वो प्रेम के, क्योंकि किसी वक्त हम सब एक थे, तो वो जो लोगों की भावना है, अवाम की भावना है, वो अलग है, और कहीं ना कहीं ये एजेंसियां हैं जो पाकिस्तान की, जो फौज है, उनकी भावना अलग है। ये लड़ाई है, देखते हैं कौन जीतता ये है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भारत रत्न राजीव गांधी भारत रत्न जो अवार्ड मिला है, तो वो वापस लेने की बात कही जा रही है, तो उस मामले में क्या कहना है? देखो, ये मैं समझता हूँ बहुत ही छोटी बुद्धि के लोग हैं जिन्होंने ये काम करने का सोचा, और फिर बाद में जो पता चला है भी उन्होंने इस चीज़ को वापस भी लिया है। तो एक एमएलए लांबा, अलका लांबा है, जिन्होंने मेंबरशिप पे उनको निकाला है, तो कहीं ना कहीं ये अब पता चलेगा भी उन्होंने क्यों करने की कोशिश की, क्यों वापस लिया, तो ये सारी चीज़ें अभी क्लैरिटी नहीं आई इसके ऊपर। लेकिन अगर कोई ये बात कहे, एक प्राइम मिनिस्टर जो शहीद हो गया देश के लिए, टुकड़े टुकड़े हो गया, उसका भारत रत्न वापस करने की अगर कोई सोचता है, मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं उसके अंदर देश प्रेम नहीं है, देश प्रेमी नहीं है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वो उसके अंदर अपने देश का, मैं समझता हूँ, खून ही नहीं है। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर इस देश के रहे हैं भाई, किसी के तो अकेले के तो नहीं रही, और सबसे बड़ी मेजॉरिटी लेके हिंदुस्तान भारत ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। अगर कोई सोचता है भी उनका भारत रत्न वापस लेने की सोचता है, तो कहीं ना कहीं वो देश से द्रोह कर रहा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, फरीद कोर्ट में जिस तरह काफी जो प्रचार हो रहा है, जो पंचायती चुनाव होने जा रही है, सरपंची चुनाव होने जा रही है, उसमें जो अकाली दल, आम आदमी पार्टी और अपना कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं, वर्कर कह रहे हैं कि उनके साथ धक्केशाही कर रहा है प्रशासन, तो उस बारे में देखो, मैं बता लुधियाने की कर सकता हूँ, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे जिले में कहीं भी किसी के साथ कोई भी धक्केशाही नहीं हुई, किसी का कोई कागज रद्द किसी ने नहीं किया, ना कोई किसी ने कोई शिकायत की आज तक। तो फरीदकोट की जो आप बात कर रहे हैं, वो अगर कोई ऐसी बातें हैं तो जरूर ये इलेक्शन कमीशन ये देखेगा, क्योंकि ये सारी इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के निगरान में होती हैं, वो इंडिपेंडेंट है, किसी के वो कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए अगर किसी ने कोई कोई कमी रही होगी तो जरूर इलेक्शन कमीशन सख्ती दे लेगा। जी अगर लास्ट